पाकिस्तान में एक यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया। यह विमान लैंड करने से पहले एक आवासीय कॉलोनी में जाकर गिरा। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, यह इसी हादसे की सीसीटीवी फुटेज है। इसमें आप विमान को पहले उड़ता हुआ देख, फिर नीचे की तरफ आता हुआ और बहुत ही भीषण धमाका होते हुए देख सकते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान दोपहर 1 बजे लाहौर से रवाना हुआ था। लाहौर से चलकर कराची पहुंचते हुए एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले यह विमान रिहायशी इलाके जिन्ना गार्डन मॉडल कॉलोनी में जाकर गिर गया, जो कि एयरपोर्ट से 3.2 किलोमीटर दूर है। हादसे से पहले विमान के चालक ने इंजन खराब होने की विपत्ति का संकेत मिडडे को दिया जारी किया था। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के मुताबिक इस क्रैश से 1 मिनट पहले यह विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से संबंध टूट गया था। इसके बाद धुआं उड़ता हुआ देखा गया। इस हादसे को अपने आंखों से देखने वाले चश्मदीद कहते हैं कि उन्होंने तेज धमाके की आवाज़ सुनी, जिसके बाद वे बाहर की ओर भागे। उन्होंने बताया कि 4 घर बिल्कुल तबाह हो गए थे, वहाँ पर बहुत सारी आग लगी थी और वहाँ धुआं निकल रहा था। आपको बता दें कि हवाई दुर्घटना के आंकड़े जुटाने वाली संख्या एयरक्राफ्ट क्रैश रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 80 से ज़्यादा विमान हादसे हो चुके हैं, जिनमें 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा हादसा 28 जुलाई 2010 को हुआ था, जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के पास दुर्घटना में 152 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उनके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर मारे जाने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित किया।